सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एड्यू एंटेनमेंट। सो स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, वो है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पूरा वीडियो देखें, आज का वीडियो इंट्रोडक्शन रहेगा और जो फर्स्ट मेथड है वो है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स, वो आज हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो पहले इंट्रोडक्शन करते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर फर्स्ट मेथड पे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द्वारा जोश के साथ। सो स्टूडेंट्स हम चैप्टर 2 में सारे पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। पहले पहला कौन सा पॉलिनोमियल था कि ए एक्स प्लस बी, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब x की पावर क्या 1। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं जिसमें x की पावर 2 है, तो उसका जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, बराबर। अब हम इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है मेथड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स, ये आप पहले 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, तो वापस से हम करेंगे पर एक एग्जांपल के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है, बहुत सारे आप सम्स जो है, बहुत सारे आप जो प्रॉब्लम्स है जिंदगी के रोजमर्रे के, आप उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप उसको सॉल्व करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सम करते हैं जो एक्सरसाइज 4.2 का ही है, उसमें क्या बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें बोला है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस के रिस्पेक्ट में 7 सेंटीमीटर लेस है। ये बेस हो गया, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। क्या बोला है कि बेस एल्टीट्यूड जो है वो बेस के रिस्पेक्ट में 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट बेस बी एक्स सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि बेस जो है उसकी जो लेंथ है वो एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। तब हमको क्या बोला है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो एल्टीट्यूड अपने आप ही क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। ये गिवन है क्वेश्चन में। हमको और क्या दिया है कि हाइपोटेनस दिया है, हाइपोटेनस क्या दिया है कि 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है कि हमको एल्टीट्यूड और बेस फाइंड करना है, कैसे करेंगे, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से याद ही है, पाइथागोरस थ्योरम मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम ये फाइंड करेंगे, क्या है पाइथागोरस थ्योरम के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम। हमारा बेस तो एक्स ही है तो ये तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एल्टीट्यूड क्या है हमारा एक्स बेस के रिस्पेक्ट में एक्स माइनस 7, तो प्लस एक्स माइनस 7 द होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर अब क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर, इसको हम ओपन कर लेंगे ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो a तो 1 है b हमारा 7 है तो 14 आ जाएगा, 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। ये हो जाएगा 2x square माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये हम माइनस कर लेंगे तो 2x square माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, हमको पता ही चल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, तो हमारे उस ये फॉर्मूले को हम जब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको दो रूट मिलेंगे, अल्फा और बीटा। रूट का क्या मीनिंग होता है, मतलब वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब एक्स की जगह में जब अल्फा रखूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा, तो यही है हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन, ये भी आपको बता देना चाहता था मैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। अब हमको क्या लाना है, 60 लाना है और यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है।
यहाँ पे माइनस साइन है और मुझे 60 लाना है क्योंकि 1 × 60 होता है, तो वो कैसा आएगा, माइनस सेवन कैसा आएगा, 60 हम पता है कि 6 × 10 से भी 60 होता है, हमको ऐसे करना ही पड़ता है कि कब तक मुझे प्रॉपर 15 × 4 भी 60 होता है, पर 15 − 4 हमारा 7 नहीं आ रहा क्योंकि हमको माइनस करके लाना है, 6 − 10 भी 4, 10 − 6 भी 4 आता है, 15 − 4 भी हमारा 7 नहीं होता है। एक और तरीका है 12 × 5 का क्या आता है हमका, हमारा 60 आता है और 12 − 5 क्या है, 7, ठीक है। देयरफॉर x² = x²−12x + 5x − 60 = 0 क्योंकि हमको माइनस करके 60 लाना था, बराबर, और 12 − 5 हमारा 7 होता है और यहाँ पे हमको क्या लाना था, −7, तो −12x + 5x करेंगे तो हमको −7 मिल जाएगा। तो ये हमारे दो, अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x, तो x − 12, यहाँ से +5 x − 12 = 0 देयरफॉर x + 5 x − 12 = 0 तो हमारे x, क्योंकि हम मैंने बोला था कि दो रूट आएंगे, क्या है हमारे x की वैल्यू, x = −5 और 12। अब हमको पता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x = 12 cm। तो हमको बेस मिल गया, बेस क्या हमारा मिल गया, 12 cm, यहाँ से रब कर लेता हूँ मैं, बेस हमको मिल गया 12 cm। हमको अल्टीट्यूड चाहिए, अल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 cm कम, तो मतलब 12 − 7 विच इज इक्वल्स टू 5 cm, तो हमको अल्टीट्यूड भी मिल गया, देयरफॉर अल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 5 एंड बेस इक्वल्स टू 12 cm। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का ये पहला मेथड है, और दो मेथड है जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम और ग्रो करेंगे। तो थैंक यू, अभी के लिए बाय बाय, और आपके लिए मस्ती टाइम।